दोस्तों, करीब 7 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था HPCL का जो इंजन ऑयल होता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी का जो इंजन ऑयल होता है रेसर स्प्लेंडर, इसके अंदर एक कूपन आता है, ये कूपन। और इस कूपन को जब हम स्कैन करते हैं तो कूपन स्कैन हो जाता है, हमारा पैसा भी आ जाता है। लेकिन जब पैसे रिडीम करने की बारी आती है तो पैसा रिडीम नहीं होता है। ऐसे कई सारे समस्या हमने देखा था जिसमें कि मुझे वीडियो बनाना पड़ा था। तो इनमें से बहुत सारे मैकेनिक भाई ने जो वीडियो देखा तो उस वीडियो को HPCL के जो ग्रुप मेंबर लोग होते हैं या फिर फील्ड मैनेजर लोग होते हैं उन तक शेयर किया। मैंने कहा था वीडियो में कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो HPCL के काम करने वाले मैनेजर लोग हैं उन तक हमारी बात पहुँचे, और जो भी समस्या आ रही है इस कूपन को स्कैन करने से लेकर पैसा रिडीम करने तक, तो वो सभी समाधान हम लोग का हो सके। तो वीडियो को इतना ज़्यादा लोगों ने शेयर किया कि लाखों व्यूज़ आ गया उस वीडियो में। और आखिरकार दोस्तों, मुझे कल करीब 4 कॉल आया। एक कॉल आया देवघर से, 2 कॉल किया देवघर से, और उसके बाद एक रांची से कॉल किया। ठीक है, 3-4 कॉल ऐसे आया जो कि हमारा जो फ्रेंड है, जो व्यूवर्स है, जो उन्होंने वीडियो देखा, जो मैकेनिक लोग हैं उसने शेयर किया जहाँ से वो माल लेते हैं HP का। तो वीडियो मैंने बोला था कि HP का इंजन ऑयल तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ये सब छोटी मोटी जब परेशानी आ जाती है तो हम लोग का मन जो है वो दुखी हो जाता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि HP जो है पेटीएम के द्वारा मतलब कूपन को स्कैन करवाते हैं और फिर वो अपने साइट पर ले आते हैं, और ID बनाने में, हमें लॉगिन करने में, उसमें क्या है ना कि आधार कार्ड भी अप्रूवल करना पड़ता है, साथ में नाम सारा चीज़ हमें एड्रेस मुझे फिल करना होता है, तभी हमारा जो है वो रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन एक बार में भी नहीं हो रहा था, वो कई बार हम करते थे तब जाके वो होता था। लेकिन कल जो मुझे कॉल आया ना, तो कल मुझसे बात हुई डायरेक्ट जो HPCL के मैनेजर लोग हैं, उन्होंने कहा कि सर जो दिक्कत थी पहले वो ख़त्म हो चुकी है। और मैंने 1,000 रुपये उस दिन रिडीम के लिए अप्लाई किया था, तो उस दिन उससे पहले भी मैंने किया था तो वो पैसा मेरा रिडीम नहीं हो रहा था, तो मुझे इस वजह से बनाना पड़ा। और कई कॉल भी आया था मुझे कि सर ऐसे ऐसी बात हो रही है, पैसा जो हम अपने अकाउंट में ले रहे हैं वो नहीं आ पा रहा है, हम UPI ID नंबर जो डालते हैं उसके द्वारा हमारा पैसा जो है वो अकाउंट तक नहीं आता, फिर से उतना ही बैलेंस शो करने लगता है। तो ये सब समस्या देखने के बाद मैंने भी ट्राई किया, तो मेरा भी जो है 2 बार मैंने जब 1,000 रुपये अप्लाई किया अपने अकाउंट तक के पैसा लेने के लिए, तो पैसा मुझे नहीं मिल पा रहा था और वापस फिर से जो है उसमें ऐड हो जाता था हमारे पे आउट अकाउंट में। तो ये सब मसला देख कर मैंने वो वीडियो बनाया था, तो मैकेनिक भाई ने वो वीडियो को शेयर किया और उन तक बात पहुंची और मुझसे डायरेक्ट बात हुआ। उसका कहना हुआ सर जितनी भी समस्याएं थी, मैं जानता हूँ समस्या तो आ रही थी कूपन को स्कैन करने से लेकर रिडीम करने तक या फिर ID रजिस्ट्रेशन करने तक, अकाउंट बनाने तक सभी में दिक्कत आ रहा था, लेकिन अब वो सारी दिक्कत ख़त्म हो चुकी है, सारी समस्याएं दूर हो चुकी है। और आपने जो 1,000 रुपये रिडीम के लिए अप्लाई किया था वो भी पैसा आपका शायद आ गया होगा अकाउंट में, आप देख लीजिए। तो दोस्तों, हकीकत में मैंने कल जब ट्राई किया, देखा, मैंने फ़ोनपे का UPI ID नंबर दिया था, तो वहाँ पर जब हम हिस्टोरी में गए तो देखा कि करीब 5 दिन पहले मेरा पैसा आ चुका है। जी हाँ, करीब 5, यानी कि वो रिडीम करने के बाद हो सकता है 2 दिन या फिर दूसरे दिन पैसा मेरा आ गया हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बोला कि पैसा सर आ गया होगा, देखिए। तो जैसे ही देखा तो मैं बड़ा खुश हो गया यार, हकीकत में जो मैंने अप्लाई किया था 1,000 रुपये, वो पैसा भी मेरा आ गया। और उसके बाद दोस्तों सारा समाधान मतलब हो चुका है। देखिए कि कंपनी ने डायरेक्ट एक्शन लिया और मेरे से बात किया कि सर देखिए जो दिक्कत थी मैं समझ रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग काम करते रहिए, क्योंकि HP का इंजन ऑयल काफ़ी बेस्ट होता है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं, सस्ता भी है और अच्छा भी है, और इसमें कोई डुप्लीकेट वगैरह भी नहीं होता है, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, इजी तरीके से डाल लेते हैं, कस्टमर के हिसाब से भी हम लोग अपने विचार से काम कर लेते हैं, ये इंजन ऑयल डाल के बड़ा अच्छा चलता है, 3,000-2,500 किलोमीटर बहुत ही हम अच्छे तरीके से चला लेते हैं, कोई शिकायत नहीं आती कि भी इंजन में है ना, तो हम ये समझ के चला लेते हैं, सस्ता भी है और अच्छा भी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी का जो हम लोग इंजन चलाते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है, पेट्रोल वगैरह, गैस वगैरह सब चीज़ हम लोग जानते हैं किसका बनता है ना। तो दोस्तों अब जो भी समस्या आई थी वो ख़त्म हो चुकी। अगर आप लोगों के पास भी कई बहुत सारे कूपन हैं तो कूपन को पेटीएम के द्वारा स्कैन कीजिए, वहाँ से आप अपना अकाउंट बना लीजिए, और फिर अकाउंट बनाने के बाद सारा कूपन जो है स्कैन कर लीजिए, और स्कैन करके उस जितना पैसा होता है वो फिर आप उसके हिसाब से रिडीम कर लीजिए, वो पैसा सभी जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस कूपन का मैंने एक ख़ास चीज़ देखा कि इसका जो है कोई भी TDS नहीं कटता है,
और भी कूपन में हम लोग देखते हैं कि उसमें TDS कटता है पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद कुछ पैसा जब वो कट जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। जितना पैसा आपका अकाउंट में हो सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो बैलेंस बना हुआ है वो सारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर करना चाहे पारी पारी से, तो कोई TDS नहीं कटता है। साथ में एक चीज़ और देखा हमने कि एक और कूपन आता है कार्टून में, जो कि प्रगति 2.0 हम लोग जानते हैं, प्रगति 2.0, वो भी अकाउंट हमारा नहीं बन रहा था, तो कल मैंने उसके लिए भी ट्राई किया था यार, वो भी अकाउंट बन गया। उसमें हमें करना क्या होता है कि ये जो आप देखें हंगामा 3.1 जो देखते हैं, इसका जो हम एक साइड में अकाउंट बनाते हैं, तो इसमें हमें मैकेनिक चुनना पड़ता है या फिर कस्टमर चुनना पड़ता है। कस्टमर है तो कस्टमर चुनिए, मैकेनिक है तो मैकेनिक चुनिए। और दूसरा जो हमें प्रगति 2.0 वाला मिलता है, उसमें हमें क्या चुनना है भाई, बाजार रिटेलर चुनिए और सारा एड्रेस फिल कीजिए, नाम डालिए, उसमें भी आधार कार्ड आपको KYC करना होगा, और फिर वो तुरंत फौरन जो है आपको मैसेज रिप्लाई आ जाएगा कि आपका जो है अकाउंट अप्रूवल हो चुका है। और आप जब स्कैन करेंगे तो उसमें 30 रुपये मिलता है, यानी कि एक कार्टून में 30 रुपये मिल रहा है। कार्टून में जो कूपन आता है गोल वाला, उस पर 30 रुपये मिलेगा और इसमें आपको 5 रुपये मिलता है, 5 रुपये, 10 पैसा, 20 पैसा, वो सब मिलता है। और दोस्तों एक चीज़ बताएं, ख़ास चीज़ें जो हम लोग अदर इंजन ऑयल में नहीं देखते हैं, वो हमें इसमें मिलता है कि अगर कूपन एक्सपायर भी हो जाए, अगर ये कूपन आपके पास 2022 का भी पड़ा हुआ है ना, तो ये भी स्कैन होके वो पैसा दे देता है। सोचिए, और भी दूसरे कंपनी में हमें नहीं मिलता, जब भी दूसरे में दोस्तों नहीं होता, जैसे कैस्ट्रॉल वगैरह अदर कंपनी होता है ना, उसमें अगर एक्सपायर हो गया, टाइम से अलग, डेट से अलग हो गया है, तो फिर वो कूपन स्कैन नहीं होता। इसका जो है डेट से अलग होने के बावजूद भी, मैंने 2023 का कूपन सोचे कि अभी 24 में स्कैन कर रहा हूँ, अब भी और सभी स्कैन हो रहा, पैसा मुझे मिल रहा है। तो इस वीडियो को दोस्तों आप शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोगों के मन में कन्फ्यूजन था, ये सभी सभी समस्याओं को लेकर जो भी दिक्कत आ रही थी, वो वीडियो के माध्यम से दूर हो जाए। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना मतलब HPCL का अकाउंट नहीं बनाया है कूपन स्कैन करने के लिए, तो आप अकाउंट बना लीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं। अगर 2-4 कूपन जो भी आता है भाई, 10-20 रुपये अगर आप बचाते हैं, तो आपको इसमें फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत लोगों ने तो कमेंट करके कहा उस वीडियो में कि सर हम तो कबाड़े में फेंक देते हैं 5 रुपये के लिए, क्या दिमाग लगा। अरे 5 रुपये करके अगर आप डेली के अगर 10 इंजन में बेच रहे हैं, 10-50 रुपये अगर बच रहा है, तो 50 रुपये में भाई कस्टमर के लिए हम कुछ खर्च कर सकते हैं ना। या फिर पैसा जो आप फेंक रहे हैं भाई, वही पैसा आप सीखने वालों को दे दो स्कैन करके, ये भी हो सकता है। तो फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर 5-10 रुपये, 2 रुपये भी अगर हम बचा के चलते हैं, 5 रुपये अगर आपके पास रहेगा तो वो नहीं फेंकेंगे, लेकिन अगर 5 रुपये का कूपन है तो आप फेंक देंगे, क्या फ़ायदा। वो भी पैसा ही है, आपको बचाना चाहिए। अकाउंट बना के जल्दी से ये सारा काम कर लीजिए। थैंक यू।